दिमाग लगा मेहनत किया, पढ़ाई मन नहीं लगता, इतने लोग ऐसे जिनको पढ़ने में बहुत ज्यादा मन लगता है, इतने लोग ऐसे हैं। अरे उठा दो यार, एक इज्जत इज्जत रख लो, बंदे की इज्जत रख लो यार। कितने लोग जिनको पढ़ने में मन लगता है, कुछ कुछ को आधा मन लगता है, थोड़ा मन लगता है, चले बढ़िया, कुछ आधे वाले हैं, पूरे वाले कोई जिसे पूरे मन लगता हो, दिन रात दे सकते हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक है मैम, राउंड ऑफ अप्लॉज चाहिए मैम के लिए। आपका फेस नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर आप यूनिक बन जाओगे, मतलब इतना से हो सकता है दूसरे नजर से लोग देखे थे। मैं चाहता हूँ कि आप ही इसी ग्रुप का पार्ट रहो, आज बाहर नहीं निकलना आपको, राइट। तो अब आप क्या दिख रहे सामने, रोल ऑफ मनी, मनी की रोल क्या हमारे लाइफ में, शायद बताने की जरूरत है क्या, है क्या है मनी की रोल क्या है सामने, क्या है, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड रोल मनी फॉर एवरीथिंग। सब क्या बोलाते हैं कि मनी सब कुछ नहीं है, बट सब चीज के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है। मनी इज नीडेड फॉर चाइल्ड, नीडेड फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज टू फुलफिल वेरियस ड्रीम्स एंड मिशन, राइट। समझ रहे हैं, सब इंग्लिश समझ में आ रही है। सो जो भी हमारी ड्रीम्स होती है, जो भी हम मिशन होते हैं, उनके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कागज की उस टुकड़े की, जिसको क्या बोलते हैं हम, मनी। थोड़ा सा म्यूजिक चला सकते हैं, मजा आएगा, राइट। किसी को दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। सेम थर्ड पॉइंट क्या है, सम ऑफ ड्रीम्स एंड मिशन पर्सन हैज, आवर ड्रीम एंड मिशन क्या हो सकते हैं, हमारी लाइफ क्या होती है, एक बिग हाउस, एक लग्जरी कार हो सकती है, एक अच्छी बंगला, एक अच्छा घर, सबकी ड्रीम होती है कि नहीं होती है, सुनो, किसकी किसकी ड्रीम है, एक अच्छी घर होनी चाहिए, एक अच्छी कार हमारे पास होनी चाहिए, राइट, है ना सबके पास, बहुत बढ़िया। फिर क्या होती है, हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, अगर आज को सब सिंगल यहाँ पे, सिंगल मतलब वो वाले सिंगल डबल तो होंगे, बट सिंगल मतलब वो सर्टिफिकेट, मतलब प्रूफ हो कि आप डबल हो, शायद आज डुप्लीकेट ले सब लोग घूम रहे हैं, प्रूफ नहीं हो, राइट। तो हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, क्या बात है, पूरे लकड़ी टेबल बैठे हैं आज, चलिए कोई बात नहीं, तब तक कुछ प्रूफ नहीं हो रही, लेकिन अब बात आ गई फैमिली प्लानिंग, सब लोग का दिख रहा है चेहरे पे खिली हुई है, पढ़ाई की बात कहाँ समझ में आती है सर, पैसे की बात करो, नौकरी की बात करो, फैमिली की बात करो, सब समझ में आ रही है, राइट। नेक्स्ट क्या है, हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन से डेवलपमेंट, अब बच्चे की पढ़ाई सब लोग चाहते हैं एक अच्छे जगह पे हो, राइट, सब लोग एक अच्छी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, सबकी चेहरे इतनी अच्छी चमक रही है, अच्छी शूटिंग सेटिंग सब लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं किसके योगदान है, हमारे पापा का, पेरेंट्स का, राइट। तो कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे आए तो हम भी उनको एक अच्छी ड्रेसिंग हो, एक अच्छी फैसिलिटी पढ़ाई वाले सब में दे सकें, चाहते नहीं चाहते, कितने लोग प्लानिंग कर चुके हैं अभी से, पता है ना कि बाबू अभी आए नहीं बट खिलौना खरीद रख चुके हैं, पता है कुछ लोग होंगे शायद, राइट। तो थर्ड क्या है, टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर रिक्रिएशन, सब लोग का एंजॉय करने का सबका इंटरेस्ट होता है, वर्ल्ड टूर करना, राइट, घूमना, कितने लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है, ट्रैवलिंग सब पसंद है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मनी की ना, कि ऐसे बोड़िया बीच में बांधो निकल जाओ, नहीं होगा ना, शायद हावड़ा स्टेशन पे रुक जाओगे क्योंकि एयरपोर्ट जो है वहीं से मालूम चला कि इधर से एंट्री किधर से निकल गए, राइट। नेक्स्ट है सोशल एंड स्पिरिचुअल लिंक्स, कुछ लोग का ये भी होता है कि चलो मैं अपना तो ठीक है, मैं अपना देखूंगा और लोगों को भी आगे लेकर आऊंगा, बहुत लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, सोशल वर्क इंटरेस्ट, दूसरों के हेल्प करना इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं सबका हो, सब कुछ डाउट कर अपना हो जाए यार, अपना हाथ खड़ा दूसरे क्या सोचना है, राइट। तो सोचेंगे तभी हो सकती पॉसिबल, राइट, कहा था कि अगर आप दूसरों के हेल्प करने के लिए रेडी हो तो ईश्वर आपकी भी हेल्प करता है, अगर हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, राइट, आज हम सोच रहे हैं आपके लिए, शायद ईश्वर सुन रहा होगा, मेरे कुछ कर दे, राइट। अब एक अब बात होती है ना, जब मनी की बात आती है थोड़ी सी, तो कितने लोग को ऐसा है जो मनी कमाना चाहते लाइफ में, बात शुरू करना चाहूंगा मैं, एक पर्सन गांव में गए, राइट, गांव में गए तो उन्होंने अनाउंस किया सारे गांव वाले को कि जो भी वो बंदर पकड़ते थे, क्या वो क्या करता था, बंदर की बिजनेस था उसे, बंदर पकड़ने का, तो गया गांव में, बोला कि सर कि जो भी गांव वाले पीपल के गांच नीचे बैठ के बोला कि जो भी बंदर लाएगा, बंदर पकड़ के लाएगा उसे, उसको मैं 10 रुपए एक बंदर का दूंगा, कितने दूंगा, 10 रुपए में एक बंदर का दूंगा। तो सब लोग गांव वाले लग गए, तो बढ़िया यार, तो पूरे बंदर परेशान के रखे हुए घर को, इसी बहाने बंदर से छुटकारे मिल जाएगा, पैसे ही कमा लेंगे, सारे गांव वाले टूट पड़े किसके लिए, बंदर पकड़ने, सब अपना बोड़ी भर भर के लाया, अपना जितना जो ला सकता था पेड़ से पकड़ के, दूसरे गांव से पकड़ के, जहां से लाया बंदर सेल कितने की, 10 रुपए एक बंदर, राइट। 15 दिन बाद फिर वो पर्सन आया, बोला कि इस बार जो बंदर लाएंगे, इस बार फिर आपको बंदर पकड़नी है, बट इस बार कितना दूंगा, 15 रुपए करके एक बंदर का दूंगा, कितना, 15 रुपए। बोले कि यार कहां से बंदर लाया,
तो सब तो पिछले बार दे दिए, बोले कि मैं नहीं जानता हूँ लाना है आपको, लोग लगे फिर पकड़ने में, इधर उधर से थोड़ा मेहनत लगा और क्या हुआ, बंदर पकड़ के लाए 15 रुपए की बंदर सेल हुई फिर, राइट। 15 दिन बाद फिर वो पर्सन आया, ईसा बोला अगर ईसा जो बंदर लाएगा पकड़ के उसे कितना मिलेगा, 50 रुपए दूंगा एक बंदर का। बोले होगा तो लाएंगे ना, ठीक है पैसे तो है, होगा तो लाएंगे ना, अब तो है ही नहीं, सब तो पिछली बार दे दिया मैंने। बोले कि मैं कुछ नहीं जानता, जा पकड़ के लेकर आ। बोले चल यार देखते हैं जो होता है। कुछ लोग गए दौड़ते भागते कहीं इधर उधर और बंदर पकड़ के लाए कुछ कुछ। तो अब बंदर पकड़ने लोग चले गए तो उसके जो मालिक था बोला कि मैं थोड़ा शहर जा रहा हूं, 15 दिन टाइम है, इस वक्त थोड़ा काम टफ है, बंदर थोड़ा टाइम लगेगा, हमको बंदर की सख्त जरूरत है बहुत सारे, तो अब बंदर तो है नहीं तो टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा शहर होकर आता हूं और मैं अपना असिस्टेंट को यहां छोड़ के जाता हूं। किसको? मैं अपना असिस्टेंट को यहां छोड़ के जा रहा हूं, तो आप जब तक बंदर पकड़ के लाइए इसको सब सेल कर सकते हैं और तब तक मैं आके ले जाऊंगा। तो चलो बहुत बढ़िया, लोग लग गए और असिस्टेंट वही पीपल के गांच के नीचे बैठ के जाकर के और लोग बंदर पकड़ के लाते गए, ला रहे थे लोग। तो इसे इसने गांव के सरपंच से असिस्टेंट जाकर बात किया कि सर डील करते हैं, हमारे पास बहुत सारे बंदर हैं, मैं आपको 35 रुपए के हिसाब से 35 रुपए के हिसाब से मैं आपको देता हूं, और जब मालिक आएगा तो 50 रुपए के हिसाब से बेच देना आप, फिर तो दोनों का फायदा हो जाएगा, राइट। बोला चलो बहुत बढ़िया डील है। तो उसने क्या किया, सारे बंदर सरपंच ने खरीद लिया, अब ना मालिक आया ना सेक्रेटरी आया, तो पैसे नहीं समझ में सर लोगों को, राइट। तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं लाइफ में, है ना। तो इसकी इस कहानी से इससे रिलेटेड कुछ नहीं है हमारी EasyFuture प्रेजेंटेशन का, बस मैं बताना चाहती हूँ पैसे बहुत तरीके से कमाए जा सकते हैं, है ना। तो आज जो मनी कैसे अर्न करना है हमारे स्टूडेंट लाइफ में, एवरीवन इज स्टडी करेगा, एवरीवन इज स्टूडेंट ईयर, पूअर पर्सन इज स्टडी, आदर इवन इज सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, राइट। एवरीवन इज स्टूडेंट ईयर, एवरीवन, एनीवन हु इज डूइंग जॉब, एनीवन, राइट। तो अब हम बात यहां पे करते हैं कि हम पढ़ाई करते करते कैसे कर सकते हैं, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या आज की है, स्टडी है। मनी तुम्हारी अभी प्रायोरिटी बनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, करिए स्टडी, पढ़ाई, तब उसके बाद क्या आती है, मनी की बात आती है, 2-3 साल बाद, 4 साल बाद जो जॉब लगेगी। बट अब बात रही कि अभी क्यों बात की जा रही है, ये बात अभी क्यों की जा रही है, पढ़ाई करते करते, राइट। तो बेसिकली हम समझना है कि स्टेट लाइफ में बेसिकली क्या चीज रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट सब जगह पर होती है। अभी अगर बात है बंगले की गाड़ी की, तो अभी रिक्वायरमेंट इसकी शायद नहीं है किसी को, अभी किसी को भी है कॉलेज में पढ़ते पढ़ते बंगला गाड़ी खरीदने का किसी को नहीं है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की किस चीज की रिक्वायरमेंट है, पैकेट मनी कुछ थोड़ी मोड़ी इंक्रीज हो जाए, चाहते हैं सब लोग, सब लोग क्या है, अगर घर से 4-5 हजार आ रही है तो 2-3 हजार रुपए और एक्स्ट्रा आ जाए, मजा आ जाएगा, फिर हम भी आंसर राजा हो जाएंगे अपने सोशल करियर का, सबका इंक्रीमेंट है कि 2-3 हजार रुपए और आ जाए, चाहे मैं खर्चा निकल जाए, परिवार वाले कुछ लोग तो परिवार का बढ़िया से बजट बिगड़ रहा होगा, तुमको थोड़ा घुमाने वुमाने में थोड़ा सही से मैनेजमेंट हो जाए, राइट। तो बेसिकली हमें टेंशन यही होती है, बट हम यहाँ पे केवल मनी कमाने की बात नहीं करेंगे, मनी की तो बात करेंगे हम, बट मनी कमाने का तरीका यहाँ दूसरा है, राइट। हम यहाँ तरीका क्या बात करेंगे कि आज हम बीटेक कंप्लीट करेंगे, बीएससी कंप्लीट करेंगे, बीकॉम कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, तब जाकर पैसे मिल रहे, मतलब हम क्या, हम एक मनी अर्न करने के सबसे पहले क्या, एक लर्निंग का हम पार्ट अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, करें कि नहीं कर रहे, 2-3 साल 4 साल जो भी पार्ट हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं लर्निंग में, देन आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल फॉर 20,000, 30,000, 40,000, राइट।